फ्रेंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल लर्न इन टेक। फ्रेंड हम आज के वीडियो में जानेंगे महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के द्वारा आप सभी छात्रों का एग्जाम रिजल्ट को अभी अभी जारी कर दिया गया। जो भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्र अपने मोबाइल फोन से एग्जाम रिजल्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप सभी छात्र वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो फ्रेंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड हमें गूगल पे जाना, जहाँ सर्च करना है आजमगढ़ यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड हम जैसे ही आजमगढ़ यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया, जिसमें फ्रेंड दिया गया आजमगढ़ यूनिवर्सिटी, तो ऊपर दिया msdu.ac.in। तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड हम जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हुआ, जिसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं सबसे ऊपर एग्जामिनेशन फॉर्म लिखा गया और सेकेंड नंबर पर पीएचडी इंट्रेंस के बारे में दिया गया, जो कि थर्ड नंबर पे दिया है रिजल्ट। तो फ्रेंड आप सभी छात्रों का जो भी रिजल्ट जारी किया गया 2023 में आपका एग्जाम जो हुआ, तो उसका रिजल्ट अभी अभी जारी किया गया। तो फ्रेंड आपको रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड आप जैसे ही रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, जिसमें फ्रेंड आप सभी छात्रों के यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट ईयर में आपको सेलेक्ट कर लेना है 2023। तो फ्रेंड आप सभी छात्र जो भी आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों को सेलेक्ट ईयर में आपको सेलेक्ट करना है 2023। तो और फ्रेंड सेलेक्ट एग्जाम में आपको सेलेक्ट करना है, तो क्योंकि फ्रेंड अभी यूजी कोर्स के ही रिजल्ट को जारी किया गया, और जो भी बाकी स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के भी रिजल्ट 10 से 15 दिन में आने के चांसेस हैं। तो फ्रेंड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे यूजी। तो फ्रेंड हम यूजी सेलेक्ट करने के बाद प्लीज सेलेक्ट कोर्स में आपका जो भी कोर्स है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड अभी जो कि आजमगढ़ यूनिवर्सिटी से बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को ही जारी किया गया, तो फ्रेंड आपको सेलेक्ट कर लेना है बीकॉम। तो फ्रेंड आपको सेलेक्ट कर लेना है बीकॉम। बीकॉम सेलेक्ट करने के बाद प्लीज सेलेक्ट सेमेस्टर में आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर लिखा गया, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करने के बाद आपको रोल नंबर फिलअप करना, साथ में फादर नेम को फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड रोल नंबर और फादर नेम को फिलअप करके सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको शो करते हैं रिजल्ट। तो फ्रेंड हम रोल नंबर और फादर नेम को फिलअप कर चुके हैं। फिलअप करने के बाद फ्रेंड आप सभी छात्रों के नीचे कॉर्नर में दिया गया सर्च रिजल्ट, तो फ्रेंड आप सभी छात्रों को सर्च रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो फ्रेंड आप जैसे ही सर्च रिजल्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो सबसे ऊपर शो हो रहा है सर्वर ईरर करके शो हो रहा है। तो फ्रेंड जिसमें आप देख सकते हैं फाइल आर डायरेक्टली नॉट फाउंड। तो फ्रेंड इसके लिए आपको 1 से 2 दिन वेट करना होगा, क्योंकि फ्रेंड जिसमें आप देख सकते हैं सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ऐसा लिख रहा है, जिसमें लिख रहा है सर्वर रीडर। तो फ्रेंड आपको 1 या 2 दिन वेट कर लेना है। जैसे ही आपका रिजल्ट ओपन होने लगेगा, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा कि आप सभी छात्रों का रिजल्ट ओपन होने लगा, क्योंकि फ्रेंड इसमें आपका जो कि मिड टर्म का नंबर होता है और साथ में जो सेशनल नंबर हो गया और अटेंडेंस वगैरह जो मार्क होते हैं यूनिवर्सिटी के डाटा पे अपलोड नहीं होने की वजह से कुछ क्लास के जो भी बीकॉम का ही रिजल्ट जारी किया गया, और बीए वगैरह तो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं हुआ, तो इसलिए आपका बीए बीएससी का रिजल्ट आने में कम से कम 10 से 15 दिन लग सकते हैं, लेकिन बीकॉम का जो कि रिजल्ट ओपन होने में लगभग टाइम 2 से 5 दिन लग सकते हैं कि आपका रिजल्ट ओपन होने लगेगा। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आप सभी छात्रों को यूजफुल लगे तो अपने फ्रेंड जोन में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड ऐसी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आप सभी छात्रों को सबसे पहले मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।